Hello class, our today's topic is drawing of lamp. Lamp, an object drawing. तो आज हम object drawing में आपको lamp की sketching बताएंगे, आप किस तरह से lamp की sketching कर सकते हैं. तो start करते हैं. चलिए पहले हम इसका जो नीचे का portion है पहले हम वो बना लेते हैं. थोड़ा सा राउंड शेप करना है तो हम इसमें कर्व थोड़ी थोड़ी कर्व लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जो लैंप होती है वो राउंड शेप में होती है. जो चीज़ राउंड होती है, गोल होती है, उसको हम जब हम वो ड्रॉ करते हैं तो राउंड उसको थोड़ा सा कर्व ड्रॉ करते हैं ताकि उसका राउंड शेप आना चाहिए. अभी नीचे का पोर्शन हमारा हो चुका है कंप्लीट, अब हम ऊपर का ड्रॉ करेंगे. तो इसका हम यहाँ पर मेजरमेंट ले लेते हैं. पहले ये हमारा कितना मेजरमेंट है इसका, ये हमारा है 7.5 में हम यहाँ पर हमने सेंटर ले लिया. अभी यहाँ हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे. हमने यहाँ पर लाइन इसलिए ड्रॉ की है ऊपर का पोर्शन जो हम ड्रॉ करेंगे उसका शेप दोनों साइड से सेम आना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए.
चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। जैसे इस साइड में आ रहा है वैसे ही दूसरी साइड में भी आना चाहिए। इसके लिए आप सेंटर से डॉटेड लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड का मेजरमेंट ले सकते हैं। उससे आपको दोनों तरफ का जो डिस्टेंस आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। आओ भाई साहब।
अब इसको एकदम डार्क पेंसिल से इसका हम इसके लिए आप चारकोल की पेंसिल या एकदम डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं इसके फाइनल स्केचिंग के लिए। जैसे हमने पेंसिल से ही शेडिंग एक्सप्लेन किया है, आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरह से ड्रॉ करना है। तो आपको ऐसे ही कोई भी लैम्प का शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप शेप चेंज कर सकते हैं या लैम्प को भी दूसरी वे में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय बाय।